दोस्तों डिस्कशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान से देखो, ये जो व्हाट्सएप जो देख रहे हो ना, हम सभी के फोन के अंदर होता, आपके फोन के अंदर भी व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो हम सभी करते, आप भी व्हाट्सएप चलाते, मैं भी चलाता, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे व्हाट्सएप को ओपन करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे ना, तो व्हाट्सएप के अंदर जो ना आपको चैट सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो व्हाट्सएप के अंदर चैट सेटिंग ऑप्शन है, ये क्यों है, इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है, मैं आप सभी से शर्त लगाता हूं, चैलेंज देता हूं कि व्हाट्सएप की ये चैट सेटिंग ऑप्शन के अंदर ऐसे ऐसे घातक खुफिया राज, मैजिक वीआईपी ट्रिक छुपा हुआ है। अगर आप इसके बारे में जान लेते हो, सीख लेते हो ना, तो आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। मेरे कमेंट के अंदर बोलोगे कि व्हाट्सएप चैट सेटिंग ऑप्शन के अंदर ऐसा भी वीआईपी ट्रिक हो सकता है, ऐसा भी घातक खुफिया राज हो सकता है जो मुझे कहां से पहले पता होना चाहिए। कुछ ऐसे खुफिया सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप किसी का भी पोल खोल सकते हो, सामने वाला बंदा बिल्कुल ही हैरान हो जाएगा, बिल्कुल चौंक सोचेगा कि भाई तूने ये चीज कैसे पता लगा लिया। उसका पोल खोल सकते, क्या पोल खोल सकते, कुच्चर मार के एक से बढ़कर एक ट्रिक बताऊंगा जो 2024 में पता होना चाहिए, बिल्कुल ही चौंक जाएंगे, नया ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कलिता, वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक छोटी सी काम करना, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, फ्री होता लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिएगा। कमेंट के अंदर जो ना व्हाट्सएप अपडेट लिखना काफी जरूरी, सभी को आपको लिखना होगा। इतना छोटा सा काम करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, लेके चलता व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, किसी भी चैट को ओपन करते हो, अगर आप दोस्तों यहाँ पे किसी को भी आप इमोजी भेजना चाहते हो, तो पहले क्या था ना कि यहाँ पे आपको जो ना इमोजी आप भेज रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला इमोजी मैं भेज रहा हूं, या मैं मान के चलो नीचे जाता हूं, ये वाला मैं इमोजी भेज रहा हूं, तो इमोजी भेज रहा हूं ना, तो एनिमेटेड आपको दिखने को नहीं मिला। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये वाला भी इमोजी भेजा, ये वाला भी स्टिकर मैंने भेजा, तो ये जो इमोजी स्टिकर है ना, ये एनिमेटेड नहीं है, ये शांत दिख रहा है। लेकिन एक सेटिंग है व्हाट्सएप चैट ऑप्शन सेटिंग के अंदर, जो ऑन करते ही सभी चीज आपको जो ना आपको एनिमेटेड यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए 3 डॉट पे जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाओगे तो ये जो चैट सेटिंग ऑप्शन देख रहे ना, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे काफी सारा सेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो प्ले एनिमेटेड इमेज आपको दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सेटिंग बंद होगा, बाय डिफॉल्ट बंद होगा, नया फीचर है, लेटेस्ट ऑप्शन है जो आप लोग को नहीं पता होगा, व्हाट्सएप चैट सेटिंग के अंदर आ चुका है। बस आपको ये सेटिंग को ऑन करेंगे, ऑन करने का सिंपल बैक करेंगे और आप चैट को ओपन करोगे तो यहाँ पे एनिमेटेड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कोई भी नीचे जाता हूँ, यहाँ पे स्टिकर एनिमेटेड का ले लेता हूँ, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि ये छोटे बच्चे का ले लेता हूँ स्टिकर, और ये भी ले लेता हूँ, तो देख सकते हो सारा का सारा चीज यहाँ पे एनिमेटेड आपको दिखने को मिल जाता है। तो ये यूनिक तरीके से किसी को भी आप चैट कर सकते हो, एनिमेटेड स्टिकर इमोजी आप भेज सकते हो और सभी को चौंका सकते हो। तो ये पहला फीचर, पहला ट्रिक था जो व्हाट्सएप चैट ऑप्शन सेटिंग के अंदर छुपा हुआ था, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अब बात करते हैं दूसरा घातक वीआईपी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जो व्हाट्सएप चैट सेटिंग ऑप्शन के अंदर छुपा हुआ, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। मैं आपको लास्ट बताऊंगा एक ऐसी खतरनाक ट्रिक है जो आप किसी का भी पोल खोल के रख सकते हो। तो दूसरा ट्रिक मैं आपको सबसे पहले बता देता, तो व्हाट्सएप चैट सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको जो है यहाँ पे ऑटो प्ले एनिमेटेड इमेज के ऊपर में लिखा हुआ है इंटर इज सेंडिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये सेटिंग बंद है, बंद होना और इसको ऑन कर देते हो ना, ऑन करने के बाद इसका क्या फायदा होगा, बिल्कुल ही चौंक जाएंगे इसका फायदा जान करके। इसका फायदा ये है कि मान के चलो किसी को भी आप मैसेज कुछ इस तरह से भेजते हो, तो ये जो आप मैसेज देख रहे हैं सेंड वाला बटन, ये जो बटन देख रहे हैं, ये बटन को नीचे में आप ऑन कर सकते, एनेबल कर सकते, देख सकते सेम ऑप्शन नीचे आ चुका, ये ब्लू कलर का है और ऊपर में ग्रीन कलर का है। तो वो सेटिंग को ऑन करेगा ना तो दोनों बटन यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऊपर से आपको क्लिक करने की जरूरत है, नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो मैसेज व्हाट्सएप के अंदर सेंड हो जाएगा। अगर आप इसका हाइड करना चाहते हो तो वापस से 3 डॉट पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, चैट ऑप्शन सेटिंग में जाकर के इस सेटिंग को आप बंद कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑन कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करेंगे व्हाट्सएप चैट सेटिंग ऑप्शन के अंदर तीसरा नंबर का बिल्कुल खतरनाक न्यू फीचर और कमाल का ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आप लोग को पता होना चाहिए। इस ट्रिक से क्या फायदा उठा सकते हैं, तो व्हाट्सएप चैट सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मीडिया विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में लिखा हुआ सो यहां पे न्यूली डाउनलोडिंग मीडिया इन योर डिवाइस गैलरी, यानी कि दोस्तों अगर आप ये सेटिंग को यहां पे बंद होता ना, तो ये क्या होगा कि जब भी व्हाट्सएप पे कोई फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी आएगा ना, आप उसे डाउनलोड करोगे ना, तो आपकी गैलरी के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर जो ना शो नहीं होगा, वो फोटो आपकी गैलरी के अंदर शो नहीं होगा, वो व्हाट्सएप के अंदर ही स्टोर होगा। इससे आपका मोबाइल का स्टोरेज जो
हो ना फुल नहीं होगा, आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल नहीं होगा और आपका मोबाइल जो है ना बिल्कुल स्मूथ हैंग वगैरह नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ को आप डाउनलोड करते हो और आपकी गैलरी के अंदर फाइल या हो फोटो दिखे, तो आप ये सेटिंग को ऑन कर दोगे ना, तो कोई भी चीज़ डाउनलोड करोगे ना तो आपकी गैलरी के अंदर वो फोटो दिखाई देने लगेगा और इससे आपका स्टोरेज भी फुल हो जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो व्हाट्सएप के अंदर लेटेस्ट फीचर है जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। हर फीचर हर सेटिंग का अलग अलग इस्तेमाल होता है जो आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों नीचे जाओगे ना तो यहां पे आपको मिल जाएगा कीप चैट आर्काइव दिखने को मिल जाएगा, तो ये सेटिंग बंद होगा। ऑन कर देते रहे तो इसका फायदा तो आप लोग को पता होगा, पहले भी इस्तेमाल करते, जिसको नहीं मालूम है तो ये सेटिंग को ऑन कर दोगे, सिंपल बैक कर दोगे ना तो ये जो आर्काइव देख रहे ना, आर्काइव यहां पर जो ना ऑन हो जाएगा। जैसे आप कोई भी चैट को होल्ड करोगे और यहां पर आपको जो ना ऊपर में आपको जो ना आर्काइव का एक जो ना बॉक्स होगा, इस पर क्लिक करोगे ना तो आर्काइव के अंदर आपको चल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा का पूरा मैसेज यहां पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आप कोई भी मैसेज को, कोई भी चैट को आर्काइव यानी कि आपको होम पेज पे हाइड कर सकते हो, आप आर्काइव के अंदर डाल सकते हो। तो ये काफी जबरदस्त फीचर, इसका इस्तेमाल कर सकते हो जो आप लोग को नहीं पता होगा। अगर आप ये फीचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, सारा सो व्हाट्सएप चैट जो ना आपकी होम पेज पे आने लगेगा। तो ये काफी जबरदस्त है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप लोग को पता होगा कि आप व्हाट्सएप चैट के अंदर जो वॉलपेपर है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उसको वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं मान के चलो कि मैं बैक कर देता हूं, बैक करने के बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये जो वॉलपेपर आपको नजर आना होगा, यहां पे वॉलपेपर नजर आता होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल व्हाट्सएप का वॉलपेपर है और वो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप इस वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हो, चैट के अंदर जो बैकग्राउंड वाला वॉलपेपर है उसे बदलना चाहते हो, तो वापस से सेटिंग्स में जाओगे, चैट सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाओगे, यहां पे वॉलपेपर पे क्लिक करोगे, चेंज के अंदर जाओगे, के अंदर आप वॉलपेपर सेट करना चाहते जो भी, तो यहां पे आपको सिलेक्ट कर लीजिए, सेट यहां पे क्लिक कर देना और आपका देख सकते हो यहां पे चैट के अंदर वॉलपेपर सेट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर जबरदस्त और कमाल का ट्रिक है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जो व्हाट्सएप चैट सेटिंग ऑप्शन के अंदर छुपा हुआ था, जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अब बता देता हूं कि आप किसी का भी पोल कैसे खोल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप चैट सेटिंग के अंदर एक ऐसी खतरनाक ट्रिक है जो आप किसी का भी पोल खोल के रख सकते हैं, सामने वाला बंदा बिल्कुल ही हैरान हो जाएगा, बिल्कुल चौंक जाएगा। तो वो कौन सी ट्रिक है, इसके लिए आपको थ्री डॉट पे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे ना, जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, नीचे जाओगे तो यहां पर आपको चैट सेटिंग ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, चैट बैकअप देखने को मिल जाएगा, चैट बैकअप पर क्लिक करोगे ना तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लोग को एम्श्योर होना होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पोल कैसे खोल सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मान के चलो कि आप अपने फ्रेंड या किसी भी अननोन पर्सन या कॉल मांगने के लिए मांगता होगा आपसे मोबाइल, या आप बोलता होगा कि भाई थोड़ा सा इंटरनेट यूज करना, ब्राउजिंग करना, कोई भी बहाना से आपसे फोन मांगता है। तो आजकल कोई भी होशियार बंदा क्या होता है, कोई भी मतलब कि डेंजर बंदा होता है जो आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के अंदर जो ना ईमेल आईडी अपना वो डाल देता है। जैसे अपना ईमेल डालेगा ना तो आपका जो जितनी भी व्हाट्सएप चैट है ना उसके मोबाइल के अंदर ट्रांसफर होगा, उसके मोबाइल के अंदर पूरा का पूरा चैट बैकअप होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ना पूरा चैट लीक हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो उसका पोल खोलना चाहते हो, आप इससे बचना चाहते हो ना, तो कैसे पता लगाओ कि कैसे पोल खोल सकते हो, तो यहां पे आपको अकाउंट मिलेगा, गूगल अकाउंट पे क्लिक करोगे ना तो ईमेल आईडी आप देख लीजिएगा कि जो सिलेक्ट है आप ही का ईमेल आईडी है या किसी और का। अगर आपका नहीं है तो तुरंत ईमेल आईडी को आप चेंज कर लेना, चेंज करने के बाद उस ईमेल आईडी को आप लॉग आउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो बना दिया, तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, किस तरीके से लॉग आउट किया जाए तो मैं आपको बता दिया हूं वीडियो के अंदर, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको करना काफी जरूरी है और इससे पोल भी खोल सकते हैं कि किसके नाम पे है, जो नाम से होगा ईमेल आईडी सिलेक्ट तो उस बंदे को तो आप जानते हो गया, तो उसको डांट पड़ सकती है कि भाई ये चीज क्या हरकत था, तो आप उसको बोल भी सकते हो। तो इस तरीके से पोल खोल के रख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि चैट बैकअप को जो ना आप इनटू इनक्रिप्टेड जो ना आप सिक्योर करना चाहते हो, तो यहां पे इनटू इनक्रिप्टेड बैकअप होगा, इस पर क्लिक करके आप इसे पासवर्ड डाल करके जो ना आप इसे अनेबल कर सकते हो। यहां पे टर्न ऑन करोगे, पासवर्ड डाल करके अनेबल हो जाएगा, जो बिल्कुल सिक्योर होता है। उसके अलावा दोस्तों यहां पे आपको देख सकते हैं ट्रांसफर चैट होगा, इस पर क्लिक करके न्यू डिवाइस के अंदर आप अपना चैट को ट्रांसफर कर सकते हो, स्टार्ट पे क्लिक करके। उसके अलावा दोस्तों यहां पे चैट हिस्ट्री होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक्सपर्ट चैट भी कर सकते हो, यानी कि पीडीएफ बना सकते हो चैट को, जो भी चैट होगा
वीडियो बना सकते हो और यहाँ पे ऑल चैट को अर्काइव भी कर सकते हो, क्लियर चैट भी कर सकते हो, चैट को आप डिलीट भी कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन के बारे में आप लोग को पता होगा। और यहाँ पे आपको चाहते हो कि डार्क मोड करना चाहते हो तो यहाँ पे थीम्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डार्क मोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा। दोस्तों ये था व्हाट्सएप चैट सेटिंग ऑप्शन के अंदर A to Z घातक VIP खुफिया सीक्रेट ट्रिक के बारे में बता दिया। कुछ ऐसे ट्रिक है जो पोल खोल सकते हो, कुछ ऐसे ट्रिक है जो आपको बहुत ही काम आएगा। और ये सभी ट्रिक में से आपको सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रिक कौन सा लगा कॉमेंट करके जरूर पता होगा। 99% लोगों को इसके बारे में नहीं था, 2024 में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा होगा, थोड़ी सी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।